हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैंने अपने हेयर को सिक्योर किया और हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है जो कि है एक्सफोलिएट। सबसे पहले हम अपने स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे और मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब। मैं ये वंस इन अ वीक ही यूज़ करती हूँ, बाकी डेज पे मैं सिर्फ क्रीम बेस्ड या तो फोम बेस्ड इस फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो अभी एक हफ्ते हो गए थे इसलिए मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। जिसे आप अपने फेस और नेक एरिया पे लगाएंगे और धीरे धीरे से एक्सफोलिएट करेंगे। बहुत ही जेंटली आप मसाज देंगे फेस को और अपने नोज़ और जो जो भी आपको ऑयली पैचेस लगेगा फेस में, वहाँ पे आप अच्छे से फेस को मसाज दोगे और थोड़ी देर के गैप के बाद आप फिर इसको फेस वॉश कर लोगे। वीक में एक बार स्क्रब करने से जितने भी फेस पे हमारे डर्ट होते हैं और टैनिंग होती है वो एकदम से रिमूव हो जाती है और आपको अपनी स्किन खुद ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगेगी। तो ये आप बहुत ही प्यार से धीरे धीरे जेंटली ही आप मसाज करना और थोड़ा टाइम देना, क्योंकि फेस एकदम गर्म होता है तो फेस वॉश करीब 1 मिनट बाद करना होगा। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और अपने आप स्किन एकदम क्लीन लगने लगती है सिर्फ मुँह धुलने के बाद ही। और इससे क्या होता है कि आप अपना जब अगला स्टेप फॉलो करोगे तो वो भी जो भी आप सीरम या टोनर लगाओगे बहुत ही अच्छे से आपके फेस ने उसको एब्सॉर्ब होगा। तो अभी सेकंड स्टेप मैंने यूज़ किया है टोनर। टोनर मैंने लिया है सुकीन का, जिसमें कि रोशिप ऑयल इंक्लूड है जो कि मेरे स्किन को बहुत अच्छे से प्लम्प करता है। अभी मैं फिर से 1 मिनट का वेट करके देन मैं यूज़ करूँगी हाइलुरोनिक एसिड और इसका मैं सिर्फ 3 ड्रॉप लेती हूँ। इसे मैं फेस पे बिल्कुल भी टच नहीं कराती हूँ और हाइलुरोनिक एसिड कभी भी ड्राई स्किन पे नहीं यूज़ करते। इसे हमेशा आपको डैम्प स्किन पर ही यूज़ करना है और हल्का सा डैब मोशन में आप प्रेस करके और बहुत ज़्यादा इसमें वेट ना करते हुए मैं रेटिनॉल यूज़ करूँगी। ये सिर्फ मैं नाइट टाइम पर यूज़ करती हूँ और वीक में सिर्फ 2 बार। तो इसके भी मैं वही 3 ड्रॉप लूँगी और धीरे धीरे से मसाज करूँगी। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिन्यू करता है और जो भी हमारे स्किन में डैमेज होता है इंटरनली वो आपको नाइट टाइम में अच्छे से रिपेयर देता है। तो आप भी इसे यूज़ करो, अगर आप 30+ हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप रेटिनॉल का कम परसेंटेज वाला परसेज करो, उसके बाद फिर आप इसे 1% तक ले सकते हो। तो रेटिनॉल मैंने अप्लाई कर लिया है और 1 मिनट के गैप के बाद मैं यूज़ करूँगी मेरा मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र मेरा मामा अर्थ का टर्मरिक मॉइस्चराइज़र है जो कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा ही सूट करता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। आप मेरे पहले वीडियो में भी देख चुके होंगे। तो अच्छे से आपको इसे लगाना है, अच्छे से अमाउंट में लेकर आप अपने नेक, ईयर और अपने सारे फेस पे इसको लगा कर अच्छे से मसाज करना है। और इस तरीके से भी करना है जैसा कि आप देख सकते हो मैं थपथपा रही हूँ। इससे क्या होता है सडन आपकी स्किन बहुत ही एनर्जेटिक फील करेगी और डार्क सर्कल भी इससे काफ़ी हद तक रिमूव होते हैं, रिड्यूस होते हैं। अभी ये मेरा स्टेप है आई क्रीम का। अब मैं यूज़ करूँगी आई क्रीम जो कि नाइट टाइम में ही मैं यूज़ करती हूँ। जब मॉइस्चराइज़र के बाद अंडर आईज़ पे लगा के हल्के हल्के से मसाज करेंगे अंडर आई और अपने आई लिड पे भी। तो धीरे धीरे से उस पर मसाज आपको करना है और हल्का सा आपको प्रेशर पॉइंट भी डालना है जिससे कि अच्छे से ये था मेरा नाइट केयर रूटीन है, ये जो भी मैं करती हूँ अपने स्किन के साथ। इसमें कोई भी जरूर बताना आपका नाइट स्किन केयर रूटीन क्या है, और अगर कुछ भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।